एमएमएस कांड के तार गुजरात और मुंबई से भी जुड़े हैं। इसके साथ ही आरोपियों के मोबाइल पर गुजरात और मुंबई से कॉल आए हैं। तीसरी बात यह है कि एमएमएस कांड का आरोपी सन्नी छात्रा से अश्लील वीडियो मांगता था। चौथी बात यह कि अश्लील वीडियो बेचे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। और पांचवी बात यह कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की कई छात्राओं का यह भी आरोप है कि उन्हें यूनिवर्सिटी से जबरन घर जाने के लिए कहा गया है। और अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोग तो भी घर जा रहे अपने और माहौल मतलब इतना अच्छा भी नहीं है। ऑलमोस्ट आधा खाली हो चुका है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से छात्राओं को जबरन निकाला जा रहा है। पंजाब एमएमएस कांड में क्या अश्लील वीडियो का सौदा किया गया? आरोपियों के मोबाइल पर गुजरात मुंबई से कौन करता था कॉल? ये वो सवाल हैं जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकले हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप ये वीडियो देखिए, जिसे एमएमएस कांड पर सच का सबूत माना जा रहा है। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं का वीडियो है जिसमें वो वार्डन से अपील कर रही हैं, कह रही हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। चुप रहने की वजह से कॉलेज फंस रहा है और वार्डन उन्हें चुप रहने की बात कह रही हैं। अब एक और सबूत आपको दिखाते हैं जहां छात्राओं को धमकाया जा रहा है, सस्पेंड करने की बात की जा रही है। मैम सस्पेंड ऐसे नहीं कर सकते आप लोग। हाँ कर रहे हैं, हमने तो बोला नहीं। मैम बोल रही चाहती हूँ आप लोग शांति से बेटा अपने अपने रूम में। नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे रूम में। मैम आप बच्चों को कैंपस में क्यों जाने दे रहे? और कैंपस में जाने तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैम हम सब भी अपने ही काम कर रहे हैं। पुलिस भारी है मैम, अंदर थोड़ी है, हमने हाथ पे थोड़े पकड़े हैं। तो करके जाओ, पूरी तो करो। आए थे तो गेट क्यों बंद है? वो गेट खोलो, गेट क्यों बंद है? ये गेट खोलो, 7 बजे का टाइम है। मैम 7 बजे का टाइम है।
मैम सुबह से गेट बंद कर रहे हैं। सुबह से गेट गेट के पास में नहीं भटकने दे रहे। गेट खुलवाओ, गेट खुलवाओ, गेट खुलवाओ, एक मिनट सुन लो उनकी बात। एक बार सुन, एक बार सानिया सानिया रुक जा, सुन लो। ये सच से पर्दा उठाने वाले वो प्रमाण हैं जो यूनिवर्सिटी और पुलिस के दावों को खारिज कर रहे हैं। कल पुलिस ने दावा किया कि छात्राओं का धरना खत्म हो गया है। यूनिवर्सिटी ने दो दिन की छुट्टी को बढ़ाकर एक हफ्ते का कर दिया, लेकिन असल में आरोप एकदम सही साबित हुआ कि विरोध प्रदर्शन दबाया गया। हंगामा न बढ़े इसके लिए एक हफ्ते की छुट्टी का नोटिस दिया गया।